अपने जीवन को पवित्र बना दिया है एक साथ रह करके, एक साथ रह करके। यही तो तपस्या है ऊपर वाले की। हमारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, ना की है किसी ने। तू इस जहर में रहे पर देह के वाहन से मुक्त रहे, ये कोई कम तपस्या है? शरीर में रहकर शरीर को भूल जा, कीचड़ में रहकर दांत बदल लेते, आग में रहकर सेंत बदल लेते, ऐसी तपस्या कोई करके तो दिखाए। लेकिन आपने की है, आपने की है ये तपस्या। अगर ऐसे पवित्र दो गृहस्थी मैदान में आते हैं, दो पति पत्नी जिसने अपने जीवन को कमल फूल के समान पवित्र बना लिया, कीचड़ में है परंतु कीचड़ बनने नहीं दे रहा। दो अगर मैदान में आ जाते हैं तो हजार ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं बाबा के दो युगल। एक हजार ऋषि मुनियों को खिलाया, दो पवित्र युगलों को खिलाया, बराबर पुण्य लगता है, बराबर पुण्य। पानीपत में एक जैन भाई हैं, वो बता रहे थे कि हर साल वो सेंटर के गृहस्थी भाई बहनों को इनवाइट करते हैं जो गर्भस्थ में रहकर पवित्र रह रहे हैं, कि साल में बार शाही भोजन करते हैं इनका। हमारी बहने भाई जाते हैं वहां भोजन बनाते हैं, उनके वो पांव धोता है, अभिवंदन करता है, सजाता है, श्रृंगार करता है, और अपने हाथ से वो शहर का बड़ा सेठ उन पवित्र युगलों को पूजता है, अपने हाथ से उन्हें भोजन कराता है। अब ये इतनी मान्यता है पवित्र युगलों की, तो भगवान की शान है और भगवान की उस चुनौती को स्वीकार किया है जो आज तक किसी ने। तो अपने लिए तो ताली बजा लो माता भाई, हम नहीं हो, एक एक ग्रेट है, एक एक महान है। अगर यहां खुद विष्णु खड़ा हो जाए आकर, तो वो बड़ी प्राउड से, बड़े सम्मान से कहता है तुम ही तो मेरे वंशज हो। अगर मां जगदम्बे साक्षात्कार कराते तो बड़े सर उठा करके कहे कि तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्री हो। जिन्हें शिव बड़ी शान से कहता है तुम ही तो मेरी संतान हो। इतनी महान आत्मा। अब आप कैसे ब्राह्मण है बताइए? आपके मुख में, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के मुख में बस फर्क कितना है, वो पोप से जन्मे हो और आप मुक्त वंशावली, बस इतना फर्क है। लेकिन ऐसी पवित्र महान आत्माओं के मुख में जब वो भोग जाता है तो क्या होता है? एक ही झटकों में उन महान आत्माओं की जो दुआएं काम करती है वो चमत्कार करती है। तो चमत्कार फिर इतिहास बनते हैं, इस तरह का चमत्कार होता है, ठीक है ना?